हाय स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करता आप लोग खुशहाली और खुश हैं। यदि भी हम कोरोना काल में चल रहे हैं, इसके बावजूद हमारे पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम्स जो आएंगे और समय पे CBSE अपना बोर्ड एग्ज़ाम करवाएगा, इसलिए आप सभी गंभीरता से लेते हुए पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। और हमारा जो आज का विषय है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, जो हमने इसकी पहली कहानी हम लोग देखे थे पहला भागों में, हिज फर्स्ट फ्लाइट। आज हम देखेंगे इसका दूसरा स्टोरी, ब्लैक एरोप्लेन। दिस वन ब्लैक एरोप्लेन, रिटन बाय फ्रेडरिक फॉरस्टेड। चैप्टर थर्ड का ये दूसरा स्टोरी है, ब्लैक एरोप्लेन। यू माइट हैव सीन मैनी एरोप्लेन, बट दिस ब्लैक एरोप्लेन। Let's begin. The black aeroplane. Just I'm for you, I'm showing one symbol to know you, though it is different color, but just to show you aeroplane, black aeroplane I'm showing you. So you can have some understanding. Black aeroplane. If we begin, same thing already written, which is in your book. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. जब यात्रा पायलट उड़ान भरे हैं, पायलट जहाज को ब्लैक फ्लाइट को लेकर जा रहे हैं, उड़ा जहाज को उड़ा रहे हैं, उस समय किस तरह अपने डायरेक्शन बता रहे हैं, वाज कमिंग अप इन द ईस्ट, मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट। आप समझ सकते हैं मून वाज कमिंग अप ईस्ट, और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, सपोज दिस साइड ईस्ट, दिस साइड नॉर्थ, नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, अगर ईस्ट तरफ आ रहा है तो उस दिशा को दर्शाने के लिए ईस्ट डायरेक्शन में, बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई। और क्या चमक रहे हैं, क्या शाइनिंग हो रहा है, स्टार्स, आसमान में स्टार्स सब दिखाई दे रहे हैं, मूनलाइट का समय है, इसका मूनलाइट जब दिख रहा है, स्टार्स दिख रहे हैं, तो रात के समय होगा। अबव मी देर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, आसमान में जब बादल रहता है तो कभी मूनलाइट और तारे नहीं दिखते हैं, इसलिए पायलट यहाँ कह रहे हैं ऐसा कोई क्लाउड नहीं था, पूरा साफ दिखाई दे रहा था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द एवं द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं बहुत खुश था जब सारे देश सो रहा था और मैं आसमान में ऊपर था, और मैं बहुत खुश था इससे। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, जो फ्रांस के होते हुए ब्लैक डकोटा, दिस इज ब्लैक डकोटा, फ्रांस से होते हुए वो कहाँ जा रहे हैं, अपने जगह पे इंग्लैंड में जा रहे हैं। डकोटा फ्लाइट, हाउ इट इज, डू यू नो डकोटा फ्लाइट हैविंग सम डिफरेंट डिफरेंट नेम्स, नेम्स आर देयर फॉर फ्लाइट्स, एंड दिस इज डकोटा फ्लाइट। सो लेट मी शो यू, दिस इज कॉल्ड डकोटा फ्लाइट, दिस इज डकोटा फ्लाइट एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड।
I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. और मैं बहुत सपना देख रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं अपने परिवार संग हूँगा और मैं उनके साथ रहूँगा, खुशियाँ मनाऊँगा। एक सोच विचार आ रहा था, हॉलीडे उनके जो छुट्टी, गर्मी का छुट्टी है, जो छुट्टियाँ मिली हैं ये मैं परिवार साथ बिताऊँगा। आई लुक एट माई वॉच, 1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के वक्त इट मीन्स 1:30 इन द मॉर्निंग आफ्टर 12 o'clock, मिडनाइट के बाद का जो 1:30 है उस समय था। सो यहाँ पायलट ये सारे सोच विचार उनके अंदर आ रहा है, पायलट सोचते हुए चल रहे हैं। देन आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन। मैं सोच ही रहा था, पेरिस से होके गुजर रहे हैं इसलिए पेरिस कंट्रोल रूम को सूचना देना चाहिए। आई पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और मैं देखा कि नोज ऑफ द एरोप्लेन मीन्स उसका जो हिस्सा है, इसकी जो हिस्सा है, इस हिस्सा, इसे नोज कहा जाता है, नोज। सो आई सॉ द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, और मैं देखा, जब मैं सोच रहा था कि खबर कर दूं पेरिस का कंट्रोल रूम, जो हर एयरपोर्ट में कंट्रोल रूम होते हैं, वहाँ खबर करने के लिए, तब मैं देखा बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने एक बहुत बड़ा शहर था जो लाइट से भरा हुआ था, जल रहा था। आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड पेरिस कंट्रोल डकोटा DS-088 हियर। रेडियो व्हाट इज रेडियो? रेडियो इज वन ऑफ द सिस्टम और वन ऑफ द डिवाइस थ्रू दैट वी कैन कम्युनिकेट विद द कंट्रोल रूम। सो ही टोल्ड पेरिस कंट्रोल रूम डकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, दिस इज द वे ऑफ टॉकिंग विद द कंट्रोल रूम, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। क्यों ना उधर से गुजर रहे थे इसलिए सूचना देना जरूरी था कि मैं अपने राह से गुजर, अन्यथा कौन से फ्लाइट है, कौन सा एरोप्लेन है, ये भी डाउट्स हो सकते हैं, इसी वजह से उन्हें सूचना देना अनिवार्य था और दिया जाता है, ये एक सिस्टम है। वो कह रहे हैं कि मैं अपने राह पर हूँ, इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ मैं। ओवर द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमिडिएटली, उसे रेडियो से उनको सूचना मिला तुरंत, DS-088, आई कैन हियर यू, यू कैन ऑर टू टर्न 12 degrees वेस्ट नाउ, और आपको 12 degrees वेस्ट की ओर मोड़ना है, DS-088 ओवर। वहाँ से भी उस सूचना मिला पेरिस कंट्रोल रूम से कि आपको 12 degrees वेस्ट की ओर टर्न करना है। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और मैं कंपास जो डायरेक्शन देखने के लिए होता है उसे मैंने स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और दूसरा जो टैंक था उसका फ्यूल आप जानते हैं है, जहाज में, एरोप्लेन में टैंक कहाँ होते हैं, उसके पंख में होता है, और उन्होंने मैं दूसरा टैंक को ऑन किया एंड टर्न द डकोटा 12 degrees वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, और मैंने जिस तरह पेरिस रूम से सूचना मिला था उसी तरह मैंने घुमाया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, और मैं समय से ब्रेकफास्ट समय पे मैं रहूँगा। आई थॉट ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, और मैं सोचा कि मैं जाके बहुत अच्छा एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट, जैसे हम भारतीय को
ब्रेकफास्ट कुछ अलग है, इंग्लिश ब्रेकफास्ट कुछ अलग है, डिफरेंट वे ऑफ ब्रेकफास्ट, डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और बहुत आसान फ्लाइट था, सफ़र जो है बहुत ही खुशहाली और बहुत आरामदायक और बहुत आसान सफ़र है मेरे लिए। मैं सुबह के समय ब्रेकफास्ट से पहले पहुंच जाऊंगा और मैं अच्छे एक ब्रेकफास्ट, इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं लूंगा, ये सोचते हुए जा रहा था। दिस इज ओनली डकोटा फ्लाइट एरोप्लेन। द क्लाउड्स, और जब मैं जा रहा था तो क्लाउड, बादल दिखाई दिया, स्टॉर्म्स क्लाउड, जो बादल से होते हुए आ रहे थे तब देखा स्टॉर्म्स क्लाउड्स। ये भी ऐसा साधारण बादल नहीं, स्टॉर्म मतलब जो आंधी तूफान लेकर के बादल आती है, स्टॉर्म क्लाउड्स हवा आंधी होता है। दे वेर ह्यूज, इस तरह आंधी तूफान चलता है और ये बहुत बड़े आकार में था। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स, और काले बादल की तरह दिख रहा था। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और मेरे सामने ही पूरा आसमान की घेर के खड़ा हुआ है। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था उसके ऊपर से जा नहीं सकता, ना तो मैं उससे किनारे होकर जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड, सपोज मैं अगर दूसरे राह से ऐसे घूम के जाता हूँ तो मेरे फ्यूल काफ़ी नहीं है, अगर मैं ऊपर जाता हूँ तब पर मेरे लिए संभव नहीं है। टू द नॉर्थ और साउथ, मैं चाहे इधर दूसरे दिशा की ओर इधर से बढ़ूँ या उधर से बढ़ूँ, ये संभव नहीं मेरे लिए, क्योंकि फ्यूल जो है बहुत कम है। जो फ्यूल लास्ट टैंक को मैं ऑन किया हूँ वो मेरे लिए सफिशेंट नहीं होगा। आई ought to go back to Paris, I thought, मैं सोचा कि शायद मुझे वापस जाना चाहिए पेरिस की ओर। बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं ये भी चाह रहा था कि मैं मुझे घर होना चाहिए। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट लेना है, नाश्ता करना है। आई विल टेक द रिक्स, मैं इस रिक्स को लूँगा। आई थॉट आई फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और मैं इस डकोटा को उड़ाता हूँ उस स्टॉर्म की ओर, उस जो बादल है, लहरें, आंधी है, उससे मैं गुजरता हूँ, मैं रिस्क लेना चाहता हूँ। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और आसमान में बादलों के साथ सब कुछ काले हो पड़ गए, तुरंत सडनली इट बिकेम ब्लैक। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और एक संभव नहीं था एरोप्लेन के बाहर और कुछ देखने के लिए। सब तरफ काले बादल घिरा हुआ है और चारों ओर अंधकार, क्लाउड से भरा हुआ, एक कुछ एरोप्लेन के अंदर के अलावा बाहर कुछ दिखाई नहीं देता। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्ट इन द एयर, और पुराना जो डकोटा है, डकोटा जो एरोप्लेन जो उड़ा रहा है वो आसमान में उसे दबा रहा है, वो ट्विस्ट कर रहा है एयर पे, हवा में। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने कंपास को देखा, कंपास इसलिए रखा जाता है किस डायरेक्शन में जा रहा है उसे ध्यान दिया जाता है, उसे देखा जाता है कंपास। आई कुड नॉट बिलीव माई आईज, द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास जो एरोप्लेन का कंपास है, मैं यकीन नहीं हो रहा था, मुझे घूम रहा था, और डायरेक्शन देना चाहिए कंपास को, डायरेक्शन दिखाता है किस तरफ जा रहा है, फ्लाइट का कंपास जो होते हैं डायरेक्शन देता है। लेट मी शो यू द कंपास, दिस इज कंपास, ये डायरेक्शन देता है, दिस शोज द डायरेक्शन, एंड एरोप्लेन के अंदर इस तरह कंपास होता है, ये डायरेक्शन देता है, इसे डायरेक्शन देने के लिए फ्लाइट में लगे रहता है। And this is the compass. You can see here, this one is this compass. Flight जब चलते हैं उसके अंदर इस तरह मीटर सब लगे रहते हैं, इस तरह
हर फ्लाइट पे, हर एरोप्लेन में होता है. दिस इज सो दिस इज द कैंपस. ये पूरा घूम रहा है चारों ओर घूम रहा था. सो द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. इट वॉज डेड. पूरा घूम रहा था और ये खराब हो चुका था या डेड हो चुका था, ये खत्म हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क. द अदर इंस्ट्रूमेंट वेर सडनली डेड टू. आई ट्राइड द रेडियो और सब कुछ, सारे और दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं जो जहाज में, अभी मैं जो दिखा है पिक्चर में, ये सारे डेड हो चुका है और कोई काम नहीं कर रहा है. मैं रेडियो को कोशिश किया. रेडियो जो कम्युनिकेशन के लिए रखा जाता है कहाँ पे, कंट्रोल रूम के साथ, उससे मैं कोशिश किया पर वो भी काम नहीं किया. पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी. वो कहा पेरिस कंट्रोल रूम, कंट्रोल क्या मुझे सुन सकते हैं. देर आज नो आंसर. कोई आवाज, कोई उत्तर उनसे नहीं है. द रेडियो वॉज डेड टू. रेडियो भी खत्म हो चुका, रेडियो भी डेड हो चुका, काम करना बंद कर दिया. आई हैड नो रेडियो, नो कंपास. अभी एक एरोप्लेन में रेडियो नहीं है, कंपास नहीं है, तो उसकी दशा, वो किस तरह वो आगे बढ़ सकता है, आप सोच नहीं सकते हैं. अभी उसके पास ये सब कुछ नहीं है. कंपास के सहारे से डायरेक्शन देके जाते हैं, रेडियो के सहारे से कंट्रोल रूम में कनेक्ट रहते हैं, पर अभी ये सब खत्म. आसमान में घने बादलों के बीच में काली बादल है, आंधी है, उसके बीच में फंसा हुआ है. इसका सपना था मैं तुरंत जाऊंगा इंग्लैंड में, ब्रेकफास्ट भी परिवार साथ मिलकर करूंगा, पर अभी इस तरह का जो बादलों में घिरा हुआ है. एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वाज. और मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं देख नहीं पा रहा था मैं कहाँ हूँ. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. और मैं खो गया था आंधी में. देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी. और जो काली बादल थी वो मेरे पूरा करीब था. आई सॉ अनदर एरोप्लेन. उसी बीच में मैं दूसरा एक एरोप्लेन को देखा. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. और उसके विंग्स में लाइट्स नहीं थी. आप सभी देखे होंगे आसमान में जब एरोप्लेन जाते रहता है तो लाइट एक इंडिकेटर जलते रहता है, उससे समझ में आता है. आसमान में रात में जब देखा जाता है तो वो लाइट इंडिकेटर इंडिकेशन देते रहता है. यहाँ पर और एक एरोप्लेन दिखाई देता है घने बादल में, काली बादल में, उसके विंग्स में लाइट भी नहीं है. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी. और ये मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट टू मी उड़ रहा है. थ्रो द स्टॉर्म. और वो भी क्या है, आंधी के बीच में, आंधी तरफ से, आंधी से गुजरते हुए उड़ रहा है. आई कुड सी द पायलट फेस. और मुझे पायलट की चेहरा भी दिख रहा था. हालांकि बादलों के बीच में, काली बादल के बीच में कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन पायलट को देख पा रहा है. टर्न टूवर्ड्स मी. और मेरे तरफ घुमाया. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. और मैं आसमान में जो खो गया था किसके बीच में, बादलों के बीच में, आंधी के बीच में, अब मुझे खुशी हुआ उसे देख करके कि मेरे तरफ वो आ रहा. ही लिफ्टेड वन हैंड अन वेब्ड. और मुझे एक हाथ उठाकर इशारा किया. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन. से उसने सोचा फॉलो मी. उसने कहा, इशारा कर कहा कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे हो लीजिए. ही वॉज सेइंग फॉलो मी. वो कह रहा था कि मेरे पीछे हो लीजिए. ही नोज दैट आई एम लॉस्ट. वो समझ पा रहा था कि मैं आंधी तूफान में खो गया हूँ. आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी. मैंने सोचा कि वो मुझे कोशिश कर रहा है मुझे मदद करने के लिए. ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ. और उसने अपने एरोप्लेन को धीरे से घुमाया नॉर्थ की ओर. इन फ्रंट ऑफ माई डोकोटा. और मेरे सामने ही डोकोटा, जो मेरा जो एरोप्लेन है उसके सामने वो घुमाया. सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम. और उसने इतना करीब आ गया और अपनी तरफ घुमाया कि ताकि मुझे आसान हो जाए उसको फॉलो करते हुए जाने के लिए. आसमान में खो गया था, इसका कंपास काम नहीं कर रहा था, इसके रेडियो काम नहीं कर रहा था, सारे मशीन जो डायरेक्शन देता है सब बंद हो पड़ा होता. इसी वजह से ये इसे पीछा करती हुई है वो जा सकता है. आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन. मैं बहुत खुश था जो अजनबी अनजान
जो एरोप्लेन है उसके साथ जाने के लिए, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, जैसे कि एक आज्ञाकारी छात्र की तरह मैं उसके पीछे हो लिया। मैं बहुत खुश था, जैसे बींग ए स्टूडेंट, बींग ए चिल्ड्रेन, वी आर ओबेइंग पेरेंट लाइक वाइस ओनली, वाट एवर दे से वी आर ओबेइंग समटाइम लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं एक छात्र की तरह मैं उसे हो लिया। आफ्टर दैट, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी। और आधे घंटे तक भी वो ब्लैक एरोप्लेन क्या है, वो मेरे साथ ही था, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही था, इन द क्लाउड्स, आसमान बादलों में। नाउ देर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 of 10 minutes मोर। और मेरे जो ओल्ड डकोटा एरोप्लेन है उसमें केवल थोड़ा सा तेल बच गया है, फ्यूल बचा हुआ है, जो केवल मात्र कितना समय चल सकते हैं, 5 or 10 minutes ओनली, उतना ही दूरी ही उड़ सकता है, उसके बाद फ्यूल इसका ख़त्म हो जाएगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मुझे डरने लगा। पहली डर किस बात की थी, पहली डर आसमान में खो गया था आंधी तूफान के बीच में, पर उसे सहारा मिल गया, एक पायलट अजनबी व्यक्ति उसे लेके आ रहा है। और अभी इसे डर सता रहा था कहीं तेल खत्म ना हो जाए, मात्र 5 to 10 minutes केवल उड़ सकता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड फॉलो थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन जब सामने वाला कौन है, जो अजनबी एक एरोप्लेन है, वो नीचे की ओर गया और इन्होंने भी उसे फॉलो करते हुए स्टॉर्म को, जो आंधी को भी फॉलो किए। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सो टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स। और मैं अचानक मैं देखा कि पूरा स्ट्रेट लाइन, पूरा सीधे लकीरें जो रनवे में होते हैं, सीधे लकीरें वहाँ पे दिखाई दे रहा, फ्रॉम फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने ही, क्यों ना पूरा घने काली बादल होने के नाते कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। सोच ही रहा था 5 से 10 मिनट ज़्यादा मेरा फ्यूल काम नहीं करेगा उड़ने में, परंतु उसने देखा जैसा अचानक नीचे की ओर जा रहा है, तो तुरंत देखा उस सामने दो स्ट्रेट लाइन उसे दिखाई दिया लकीर। इट वॉज ए रनवे, आप सभी समझते हैं रनवे जो एयरपोर्ट में होता है, रनवे, कई रनवे, तो यहाँ पे मैं उसका मीनिंग लिख दिया, रनवे, ए स्ट्रिप ऑफ हार्ड ग्राउंड अलोंग व्हिच एयरक्राफ्ट टेक ऑफ एंड लैंड, क्या है, जो वहीं से टेकअप करती है और लैंडिंग करती है, उड़ान भरते हैं एरोप्लेन। बट द स्काई वॉज ही रनवे एंड एयरपोर्ट, एक एयरपोर्ट में उतर गया। आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और मैं घुमा अपने दोस्त जो ब्लैक एरोप्लेन से, अपने दोस्त को देखने के लिए। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, पर आसमान में कुछ नहीं था, आसमान में कोई दिखाई नहीं दिया, देर वॉज नथिंग ही देर, और ऐसा कुछ भी वहाँ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गोन, और ब्लैक एरोप्लेन कहाँ चला गया, आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और वो ब्लैक एरोप्लेन जो उसे लाया वो कहाँ चला गया, मैं कुछ देख नहीं पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मैं वहाँ लैंड कर गया कहाँ पे, एयरपोर्ट में, एंड टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। और मेरे को कोई दुख नहीं था कि मैं ओल्ड डकोटा से निकल करके कंट्रोल टावर पास जाने के लिए। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमन, और मैं तुरंत गया और मैंने पूछा वहाँ की जो कंट्रोल रूम में जो महिला बैठी थी उसे, वेर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज, मैं जहाँ था, मैं जो आसमान में था वहाँ पे जो और एक पायलट था कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ। शी लुक एट मी वेरी स्ट्रेंजली, अचानक जो कंट्रोल रूम में बैठी थी वो मुझे घूरने लगी और देखने लगी बड़े अजीब तरीका से, एंड देन लफ्ट, तब और उसने हंसी। अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, मैंने आसमान में कौन दूसरा एरोप्लेन था, अब देर इन दिस स्टॉर्म, इतने आंधी तूफान में कौन से एरोप्लेन, नो अदर एरोप्लेन वेयर फ्लाइंग टू नाइट, आज की रात में कोई भी एरोप्लेन आसमान में उड़ नहीं रहा था।
योर वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और मैं केवल आप ही का फ्लाइट एक आप ही के एरोप्लेन एक देख सकता हूँ रडार में. सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट ए कंपास और रेडियो. तो इसका मतलब कहो किसने मुझे मदद किया बिना कंपास के और रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और मेरे पास कोई तेल भी नहीं था. बिना कंपास, बिना रेडियो और फ्यूल बगैर भी, हु वाज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट. और कौन था वो जो ब्लैक एरोप्लेन, कौन ऐसा था जो काली बादल में आंधी में वो उड़ रहा था, ये कौन हो सकता है? आप सभी इस चीज़ों को समझ पाए होंगे. रडार का मतलब क्या है इसे समझना है. रडार एक सिस्टम है फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, शिप्स ऑफ अदर ऑब्जेक्ट बाय सेंडिंग आउट पल्सेस ऑफ रेडियो वेव्स व्हिच आर रिफ्लेक्टिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट बैक टू सोर्स. ये सारे रडार का मतलब वहीं से सारे चीज़ का कंट्रोल नियंत्रण होता है. स्पीड कितना है और प्रेजेंस मतलब कौन कौन ऊपर आसमान में है, सब चीज़ों का वो बताता है. रडार के माध्यम से जानकारी हासिल करते हैं कंट्रोल रूम में, उसे रडार कहते हैं. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी इसे समझे होंगे. अगर किसी प्रकार किसी के डाउट्स हैं ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. और यहीं तक है दूसरी कहानी ब्लैक एरोप्लेन. आई होप आप सभी इसे समझें, और कोई डाउट होगा अवश्य आप लोग इसे शेयर करने का ना भूलें. और